नए साल के स्वागत को लेकर मनेंद्रगढ़ शहर में एक अनोखे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कलाकारों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में भरतपुर के विधायक और मनेंद्रगढ़ के विधायक से कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच द्वारा बहुरूपीय प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न चौक चौराहों पर किया गया, जिसमें कलाकारों को उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। देखिए, बीते साल की 31 दिसंबर को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे मनेंद्रगढ़ के युवा साथियों ने जो बहुरूपीय प्रतियोगिता, जिसकी ख्याति अब दूर दूर तक होते जा रही है, उसका आयोजन किया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे हजारों हजार की संख्या में पूरे हमारी आदरणीय जनता यहां उपस्थित है, और आज साल का आखिरी दिन है, उसको विदाई दे रही है। मैं सभी को, इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को, सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मनेंद्रगढ़ में बहुरूपीय महोत्सव मनाया जाता है, मेरे को लगता है भारत देश में पहला है। मैं बहुत समय से सुनता था कि यहाँ पर ऐसा आयोजन होता है, तो ये आयोजन देखकर बिल्कुल दिल गदगद हो गया है। और मैं पूरी आयोजन समिति को, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से साथ दिया है और जिन्होंने इसमें भाग लिया है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। मनेंद्रगढ़ में बहुरूपीय प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 27 वर्षों से होता आ रहा है, मगर विगत 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से यह आयोजन नहीं हो पाया। इस वर्ष मनेंद्रगढ़ में युवाओं की एक नई टीम सांस्कृतिक मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, व्यापारीगण हैं, सभी ने हमें बहुत सहयोग प्रदान किया। और जो हमारे प्रतिभागी थे, कलाकार थे, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी में भारी उत्साह था। मैं नेता बना हूँ, इसके पीछे हमारे बुंदेलखंड में एक स्वांग हुआ करता, जिसमें हम जो समाज में सीधे सीधे नहीं कह पाते हैं, उसको हम बहुरूपिया या गो रूप धर के अपनी बात साफ साफ कह पाते हैं। मैं नेता बना हूँ, आज हमारी राजनीति बहुत भ्रष्ट हो चुकी है। बिना नोट के, बिना शराब के कोई चुनाव नहीं जीता जाता, इसलिए हमारा मेरा नारा है, नोट लो वोट लो।